गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ दो वर्णमाला नामक पाठ को दोहराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होती है वर्णमाला? वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम समूह होता है, यानी कि वर्ण जो क्रम से लगे होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक सभी वर्ण होते हैं और ये व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। तो अ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है स्वर। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर क्या होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए, यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। और स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। फिर है आयोगवाह। आयोगवाह अंग तथा आहा आयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा आहा स्वर नहीं है। अंग तथा आहा स्वर नहीं होते, ये आयोगवाह होते हैं और अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। फिर है व्यंजन। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजन वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते और इन्हें बोलने के लिए, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सभी व्यंजन होते हैं। फिर वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं।
बच्चों, अब मैं आपको रिवीजन टेस्ट दूंगी। आपको ये अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ई की मात्रा वाले दो शब्द लिखिए। आपको बड़ी ई की मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ तथा ओ की मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए। दो आपको ओ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और दो शब्द ओ की मात्रा वाले लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। इसका इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फिर अगला है आपका खालिस्तान। आपको खालिस्तान करने हैं। पहला है, डैश की कोई मात्रा नहीं होती है। डैश की कोई मात्रा नहीं होती है। अगला है नंबर 2, व्यंजनों के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। व्यंजनों के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। अगला है नंबर 3, वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। फिर है, सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको दो शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों शब्दों में सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगानी है। नंबर 1 पे है, के भे आ कधा, इसमें आपको सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगानी है। नंबर 2 है, गे गे आ। फिर अगला क्वेश्चन है, सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, इन दोनों शब्दों पर आपको सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाने हैं। नंबर 1 पे है आ खे, नंबर 2 पे है से आ पे। ये पुनरावृत्ति कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।